नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 8C वर्सेस इक्यू Z6 लाइट 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो स्पार्क 8C में 6.48 इंच जबकि Z6 Lite 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि स्पार्क 8C से कम है। विड्थ की बात करें तो स्पार्क 8C में 2.99 इंच जबकि Z6 Lite 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो स्पार्क 8C में 0.35 इंच जबकि Z6 Lite 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो स्पार्क 8C में 193 ग्राम जबकि Z6 Lite 5G में 194 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो स्पार्क 8C में 6.6 इंचेस जबकि Z6 Lite 5G में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन स्पार्क 8C में 720x1612 और Z6 Lite 5G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो स्पार्क 8C में 84.12% जबकि Z6 Lite 5G में 84.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो स्पार्क 8C में 267 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Z6 Lite 5G में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो स्पार्क 8C में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकंड कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Z6 Lite 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो स्पार्क 8C में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Z6 Lite 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। चिपसेट की बात करें तो स्पार्क 8C में यूनिसॉक T606 और Z6 Lite 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो स्पार्क 8C में 3GB की RAM मिलती है, जबकि Z6 Lite 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो स्पार्क 8C में 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Z6 Lite 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो स्पार्क 8C में अप टू 256GB जबकि Z6 Lite 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो स्पार्क 8C में एंड्रॉइड V11 जबकि Z6 Lite 5G में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो स्पार्क 8C में 4 कलर्स जबकि Z6 Lite 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो स्पार्क 8C में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 3GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹8,499 में मिल जाता है। वही अगर बात करें Z6 Lite 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹13,999
6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो स्पार्क 8C में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इक्यू Z6 लाइट 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Z6 लाइट 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो स्पार्क 9 है, दूसरा वीवो T144W है, तीसरा पोको M4 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी रेडमी नोट 11 SE है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।